दशहरे के बाद देश में चारों ओर दिवाली की रौनक है। लाइट्स, फूल और डेकोरेटिव आइटम से बाजार भी गुलजार है। इतना ही नहीं, फेस्टिव सीजन व्यापारियों के लिए तगड़ी कमाई का मौका लेकर आता है और इसलिए व्यापारियों के लिए त्योहारों का ये मौसम काफी फायदेमंद रहता है। इस बीच कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के एक अनुमान के मुताबिक इस साल दिवाली तक देश में 4.25 लाख करोड़ का व्यापार होगा। ऐसे में आज हम आपको उन 5 बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जिन्हें आप कम लागत में शुरू करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, और तो और आप इन बिजनेस को पार्ट टाइम के तौर पर जारी भी रख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है पूजा पाठ से जुड़ी चीजों का। त्योहारों पर पूजा पाठ की चीजों का बिजनेस चरम पर होता है। भारत वैसे भी त्योहारों का देश है। साल के 12 महीनों में कोई ना कोई पर्व आता ही है। पूजा पाठ में यूज किए जाने वाले अगरबत्ती, धूप और हवन के सामान की मांग काफी बढ़ती है। ऐसे में अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। कम लागत पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 5,000 से 7,000 रुपए तक लगाने होंगे, जिसके जरिए आप रोजाना 2,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स का। दिवाली का त्योहार रोशनी का पर्व है। इस दौरान पूरा देश रोशनी से जगमगा उठता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स की डिमांड भी काफी बढ़ जाती है। आप थोक बाजार से रेडीमेड लाइट्स खरीदकर इन्हें रिटेल मार्केट में बेच सकते हैं। कम लागत में शुरू किए गए इस बिजनेस में बढ़िया मार्जिन मिलता है। इन लाइट्स को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दिवाली के दौरान घरों को सजाने के लिए रंग बिरंगी मोमबत्तियों की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। मोमबत्ती बनाने के लिए ज्यादा बड़े सेटअप की जरूरत भी नहीं होती। ऐसे में आप कम लागत में तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही आप मिट्टी के दिए खुद बनाकर या कुम्हारों से बनाकर इन्हें बेच सकते हैं। इन दियों को डिजाइनर लुक देकर और भी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी डिजाइनर दियों की अच्छी खासी मांग होती है, जिसे आप बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को आप महज 5 से 10 हजार में ही शुरू कर सकते हैं। दिवाली के दौरान घरों की सजावट के लिए तरह तरह के डेकोरेटिव आइटम्स की मांग भी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके तरह तरह के डेकोरेटिव आइटम्स घर बैठे ही तैयार कर सकते हैं। आप इन डेकोरेटिव आइटम्स को थोक बाजार से खरीद कर रिटेल मार्केट में बेच भी सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपने घर के छोटे कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप महज 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। न सिर्फ दिवाली बल्कि हर त्योहारों में पूजा और आरती के लिए फूलों की डिमांड रहती ही है। आप माला और गुलदस्ते बनाकर भी बेच सकते हैं। इस बिजनेस के लिए भी आपको किसी बड़े सेटअप की जरूरत नहीं। आप छोटे जगह से भी इसे शुरू कर सकते हैं। फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए ये बिजनेस आइडिया इस सीजन में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये थे वो 5 बिजनेस आइडिया जिन्हें शुरू कर आप इस दिवाली तक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आएगी। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी बिजनेस।